हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे शुद्ध देसी घी। मैंने यहाँ पे एक कप मलाई लिया है। 15 दिन पहले से ही मैं इस मलाई को कलेक्ट कर रही हूँ। आपको फुल फैट क्रीम मिल्क लेना है और उसको अच्छे तरीके से उबाल लीजिए और उसका जो मलाई आता है आपको 15 डेज तक आपको कलेक्ट करके रखना है फ्रिज में। फिर आप इससे घी बना सकते हो। अब हम एक बाउल लेते हैं और इस मलाई को बाउल में डालेंगे। ध्यान रखिए, आपको 12 से 15 दिन ही मलाई को कलेक्ट करना है, उससे ज्यादा नहीं। अब हम क्या करेंगे, अभी जो इसका इस एक्स्ट्रा जो पानी है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं इस तरीके से। देखिए, इस तरीके से सेपरेट कीजिए। मैंने एक्स्ट्रा जो दूध था उसको सेपरेट किया हुआ है और मलाई को सेपरेट किया हुआ है। यहाँ पे मैंने एक बर्तन रखा है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ मलाई। अब इसको बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। देखिए, इसको धीमी आंच पे इसको हम पका लेंगे। इसको हम चलाते रहेंगे। अगर आपको मोटी मलाई चाहिए तो आप दूध को उबाल लीजिए। जब उसका उबाल आता है तब आपको गैस धीमी करना है और 3 to 4 मिनट्स तक उसको ऐसे ही उबालने दीजिए। फिर इसको ठंडा करके फ्रिज में रखिए। आप इसको ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत ही गाढ़ी आपको मलाई मिल सकती है। इस तरीके से आपको 15 डेज तक मलाई को कलेक्ट करना है। देखिए, अब ये जो मलाई है उबल रही है। इसको लगातार चलाते रहिए। देखिए, मलाई से घी कैसे निकल रही है। इसको आपको लगातार चलाते रहना चाहिए, नहीं तो ये नीचे जल सकता है। देखिए, ये घी जो है अच्छी तरह से निकल रही है। अब हम इसको कुछ देर और चलाते रहेंगे। अब ये घी ऑलमोस्ट निकल आ गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा मेथी के दाने डालेंगे। अब ये घी रेडी हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ करते हैं, फिर इसको ठंडा कर लेते हैं, फिर इसको छान के एक कंटेनर में स्टोर कर लेते हैं। अब ये घी ठंडा हो चुका है, अब हम इसको छान लेते हैं।
अब एक एयर टाइट कंटेनर में डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपका शुद्ध देसी घी रेडी हो चुका है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।